जाने वाली है फिल्म आखिर पलायन कब तक। और ये फिल्म 16 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और बीती रात हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च। और ये पहली बार है फिल्म जगत के इतिहास में किसी फिल्म निर्माता ने सभी पीड़ितों को स्टेज पर इनवाइट किया। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद अब ये फिल्म आ रही है जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक, जो ऐसे ही सेंसिटिव इश्यूज पर बनाई गई है। ऐसे में पीड़ित स्टेज पर पहुंचे जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं मुकुल विक्रम, तो वहीं सुहानी कुमारी और अलका चौधरी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में नजर आएंगे राजेश शर्मा, चित्रंजन गिरी और कई और सितारे। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस फिल्म के बारे में। मैंने जब हम लोगों ने मैंने डायरेक्टर से शेयर किया था कि हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोच के बनाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हमारी पहले ही मैंने बताया सोच हमारी मिलती है बहुत, जब सोच मिलती है तभी ऐसी फिल्म बनती है। तो हम लोगों ने बैठ के रात रात भर के इसके बारे में रिसर्च किया, फिर हमने लोगों से भी मेरे कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस भी थे क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ ओवरऑल इंडिया, तो वहाँ से हमें लगा कि काफ़ी न्यूज़ भी देखती हूँ आप लोगों जैसे आज तक हो गया या फिर ये सारी न्यूज़ देखती हूँ मैं, तो वहाँ से भी मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ सीखने के लिए सुनने के लिए मिली कि अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है। अब न्यूज़ तो आती है एक बार, फिर उनकी लोगों की आवाज़ वो वहाँ पे दब जाती है, तो मुझे लगता है इसको हम एक अच्छे से स्टडी करके एक फिल्म बनाई जाए जो मुझे लगता है इतिहास भी याद रखेगा। ये फिल्म जब बन जाती है तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत भी लगती है। तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, हम जब दो तीन साल हमने कंटिन्यू लगाया इस स्क्रिप्ट को बनाने में लिखने में, कंटिन्यू हम इस पर रिसर्च करते रहे कि हम किस तरीके से बनाएं और हम असली वाला इमोशन जो है लोगों तक पहुंचाए, जो असली बात है हमने इसमें सच दिखाया है। इसमें हमने कोई ऐसा अपने आप से कि फिल्म को फिल्म वैसे नहीं बनाया गया, अरे हम फिल्म ही बनाएंगे, फिल्म ही कुछ भी नहीं है, रियल है, रियल घटनाओं पर आधारित है और रियल इमोशन हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। देखिए जो फिल्म है वो बेसिकली पलायन पे है, कैसे कुछ पावरफुल लोगों को दांत दे दिए गए हैं कि वो किसी भी चीज़ पे गड़ा दें और उनके हो गए। तो फिल्म एक देखिए फिल्म है तो फिल्म में हमें एक कैरेक्टर्स होते हैं जिन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें अपनी कहानी नरेट करनी होती है, तो उसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी होंगे, तो वो नेगेटिव कैरेक्टर्स को किस तरीके से जो पीपल इन पावर हैं उनको किस तरीके से पावर इतनी दे दी गई है कि वो कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी एंगल से कुछ भी घुमा लेते हैं। उसमें ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह के लिए है, किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, एक ऐसा कानून जिस कानून की जिस जैसा कानून पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे देश में एग्जिस्ट करता है और इतने सालों से एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कानून होना ही नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने कौन सा ऐसा देश सुना है जिसमें इस तरीके का कानून हो? कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ऐसा कानून होता है, ऐसा कोई देश है ही नहीं। फिल्म की कहानी है जिसमें एक परिवार है, उस परिवार की पूरी जर्नी है, कैसे मजबूर होता है, वो पूरी मजबूरी है उसकी और वो आपको ट्रेलर में भी दिख रही होगी मजबूरी जो है उसकी। कश्मीर फाइल्स की आप बात करते हैं तो वहाँ पर एक धार्मिक एजेंडा चला था, उसकी वजह से ये सब हुआ था। यहाँ पर धार्मिक एजेंडे से ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट सपोर्टेड लॉ है जो मजबूर कर देता है कि आप मतलब आप अपने घर से ही निकाले जाओगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते। कश्मीर फाइल्स तो एक धार्मिक एजेंडा था, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे है कि आपके अपने देश में एक ऐसा कानून है जो कुछ पर्टिकुलर लोगों को सपोर्ट करता है, उनको अधिकार देता है कि आपकी वो ज़मीन पर कब्जा कर लें और आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कहानी वो है। आर्टिस्ट के तौर पर बात करना चाहें तो मेरे लिए एक सिनेमा है ये। आप जैसे बहुत साल पहले घोसला का घोसला आई थी, है ना, भू माफिया पे एक फिल्म थी, एक प्रॉब्लम उस डायरेक्टर ने अपने तरीके से कहा, तो मेरे लिए एक सिनेमा है जो एक प्रॉब्लम अपने तरीके से कह रही है। और मैं चरित्र के तौर पे जो ये लोग इन लोगों ने मुझे एक कैरेक्टर बताया, एक डिज़ाइन बताया, और ख़ास तौर से प्रेस और पत्रकारिता और रिपोर्टर, ये इसके ज़रिए एक पीस और शांति की भी बात कही गई है। मैं इसलिए कहा ना, मैं रिवील नहीं कर सकता ज़्यादा, नहीं तो फिर मज़ा चला जाएगा। मैं तो कहूँगा कि जैसे कि स्टोरी है, जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये स्टोरी आप लोगों को कितना कनेक्ट करेगी। और फिल्म में जो मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं वो मुद्दे समाज में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, उन मुद्दों को ख़त्म करना ज़रूरी है, उन एक्ट को ख़त्म करना ज़रूरी है, उन कानून को ख़त्म करना ज़रूरी है, जैसे 370 आया था या फिर कुछ इस तरीके के जो अनवांटेड एक्ट है जो
किसी भी समुदाय को आपस में लड़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे कानून पे अगर फिल्म बनाई गई है तो आप लोग जाएं देखें कि उन कानून का मिसयूज़ किस तरीके से हो रहा है, और ऐसे कानून को जितना जल्दी हो सके ख़त्म किया जाए तो बेहतर है। और जो मेरा करेक्टर है वो आपको बहुत पसंद आएगा, ये मेरा वादा है आपको। देखिए, हमारे पास तो बहुत स्टेट से फ़ोन आ गए। हमारा टारगेट ये नहीं था कि हम इन लोगों को सामने लाए, हमें एक कानून पता था जिस कानून के बेसिस पे, जिस कानून को टारगेट करके हमने एक फिल्म बनाई। तो हमारा टारगेट ये नहीं था कि लोग आएंगे, लोग हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो गए हैं क्योंकि उनके साथ ये हुआ है। लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से कि उनके एक बहुत बड़ा तबका है जो कनेक्ट कर रहा है, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो गया है तो वो लोग आ रहे हैं सामने। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ उठाई है। मैं भी एक ऐसे मतलब बहुत ही ग्रास रूट से उठी हुई हूँ, मैं राजस्थान के एक बाड़मेर से हूँ, तो मैं समझती हूँ सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स कैसी आती है और एक महिला के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है अगर उसके घर में टॉयलेट ना हो या फिर वो सुविधा ना हो तो कैसे घुटती है, अंदर से घुटती है बेसिकली, वो घुटन होती है उनको। हो सकता है उसे ना वो डिप्रेशन कह सकते हो या फिर वो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसके शिकार हो जाते हैं बेचारे, उनको पागल जैसा फील होने लग जाता है क्योंकि आपको बहुत टफ है। एक अगर आप टॉयलेट नहीं कर पा रहे हो, आपके सीसीटीवी जैसा उन्होंने बताया कैमरा लगा दिया गया है तो कहाँ जाएगी वो, अगर वो हाँ टॉयलेट उनका ऑक्यूपाई हो गया है तो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे खेत में कहाँ, पूरे दिन तो वेट करेगी रात हो तब मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि दिन में तो लोग आसपास रहते। महिला एक शर्म, महिला बहुत अपने स्वाभिमान के लेकर बहुत वो रहती है, मर्द तो फिर भी चलते हैं, वो उनका इतना नहीं होता है मैं कहूँगी। वो भारतीय हमारी नारी में है, एक प्रथा है कि भाई नारी बहुत, मैं राजस्थान से आती हूँ तो घूंघट चलता है वहाँ, तो वहाँ से आती हूँ तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ अच्छे से। तो उस लोग उसने जो बोला तो तभी हमने कहा कि ऐसा गलत है, ये इस लॉ का इस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है जो ये लोग सफ़र कर रहे हैं, जो मतलब समझ रहे हो कि ये अपनी बात कहाँ तक पहुँचा पाएंगे, वो बोल भी नहीं पा रही उसको, हमें तो लैंग्वेज भी क्योंकि मराठी यहाँ समझ में नहीं आ रही, बट वो इतनी बात नहीं कह पा रही अपनी। तो मुझे लगता है उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएं सिनेमा घरों में, और हमारे देश में ऐसा भी कानून चल रहा है जो शायद 1% लोगों को पता है 140 करोड़ की आबादी में। मुझे नहीं लगता ये किसी भी समुदाय से छुपाने की बात है। आप जाएं सिनेमा घरों में, देखें कि ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है जो शायद 370 से भी खतरनाक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे कानून को जितना जल्दी हो सके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट डिसीज़न लें और ऐसे कानून को ख़त्म करें ताकि एक शांति बने रहे, ऐसा ना हो ऐसा कानून आने वाले टाइम में अशांति फैलाए, और ये हो भी रहा है। ये प्रेम और एकता के लिए ऐसे कानून को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। देश आज़ादी से पहले ही बट चुका है, अब और ना बटे। ऐसे बांटने वाले कानून जो बनाए गए हैं हमारे देश में, ये कानून होने चाहिए ख़त्म। यही मैसेज है, और एक शांति का मैसेज है कि आप लोग शांति से साथ में रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। थैंक यू। देखिए, समाज में किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो हम अगर हमारे अंदर एक आम आदमी या किसी के प्रति सहानुभूति ना हो तो फिर हम इंसान नहीं हैं। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इस बात को मैं सामने रखना चाहूँगा। मेरा यही कहना है, अभी मेरी आखिरी बात मैं यही ख़त्म करूँगी, क्योंकि देश के बंटवारा हो चुका है, हमने देखा, और वो बहुत ही भयानक, मतलब बहुत दर्दनाक हम सुनते हैं। मेरे नाना जी थे, वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो मुझे कहानियाँ सुना के गए, वो 96 के हो गए, उन्होंने वो मंजर देखा था, उनके जानने वाले लोग आधे उधर रह गए इधर रह गए, तो यही सारी चीज़ें थी। वो वैसा कुछ नया नहीं था। मुझे लगता है जो आज ये समाज में कोई दरार है, जिस ऐसे कानून है या फिर ऐसे है, उस इलाकों में हम जा नहीं सकते, उस इलाकों में हम रह नहीं सकते, मुझे लगता है कि ये सब ख़त्म करना चाहिए। सबको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है हर लोग रिलेट करेंगे इसको, कि हम वाकई में, मैं 100 लोगों से मैंने एक बात पूछी थी कि उस इलाके में जो एक पर्टिकुलर इलाका होता वहाँ आप जाके रह सकते हो, बोला हम नहीं रह सकते। 100 लोगों से मैंने पूछा था, यही रिएक्शन था। हाँ, तो हर समुदाय को आगे आके इस ऐसी ये जो दरार है ना, ये मुझे लगता ख़त्म होनी चाहिए, और एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब अच्छे से रहे। बहुत चैलेंजिंग था, और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ, तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म, और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी, तो फिल्म ऐसे ही बनाएंगे ये नहीं पता था। बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके, मैं हमेशा अभी भी मैं चाहती हूँ आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस है।
तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ। ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो हमने स्टार्ट किया। बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें। बोल्ड टॉपिक क्यों है ये, तो मतलब आप एक चीज़ समझिए ना कि जो फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है, तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता और बोल्ड कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं, एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग अगर जो लोग जिन लोगों को पता है चीज़ें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है या क्या सही हो रहा है। कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने, ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है, तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे। तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में। तो इट्स नॉट बोल्ड, यह समाज है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत चैलेंजेस आए और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी। मुझे लगता है कि हमने इन्जॉय किया क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है और काफ़ी साले लगी यहाँ तक पहुँचने में और इट्स गुड। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप। जी 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 जी। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फिल्म की है, रोंग लीला, तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की। और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका, तो नेगेटिव लीड का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारे हौच-पौच चल रहा था क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट, तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे। लेकिन मैं दाद दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुकुल को मैं भी पहले से जानता हूँ और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूँ, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपके सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में। और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे, तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी थी। तो जहां तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए 16 तारीख को है। धन्यवाद। वापस लेके जाने के लिए एक ही थॉट है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो शांत रहे, सब लोग साथ में रहें, चैन से रहें, और ये जो पॉलिटिकल लफड़ों में पड़ के लोग जो आपस में पंगे करते हैं वो ना करें। अवेयरनेस लेके जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म के बाद 10% भी नहीं है, एक्चुअली 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है जिस कानून में क्रिमिनल भी वही है, जज भी वही है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है,
तो ऐसा कानून हो कैसे सकता है? पहली बात तो यह, कौन से दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कानून हो सकता है? सोच के देखिए, किसी भी देश में नहीं, सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहाँ पर ये कानून है। क्यों है पता नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है, भारत में अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग डिसाइड करते हैं, भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी ताकत होती है, अगर लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे जो अन्याय हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब तक। जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है तो वो उनका हो गया, डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा, आप क्या कर सकते हैं। ये लोगों की आवाज है, लोगों की बात है, ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है, उसकी बात है ये। हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है, वो सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, बट आप हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं, हिंदुस्तान के हर शहर में दो पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में कुछ लोग एंटर कर सकते हैं, एक पार्ट में तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है, कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाए हैं, इसमें हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसे कनेक्ट करती हूँ। एक बार मेरा इंसिडेंट हुआ था, मैं अगर जा रही थी पुणे, तो मेरा ड्राइवर था जो बैठा था, ऐसे ही हमने डिस्कशन में, कई बार ऐसे कुछ अच्छा लगता तो बातचीत कर लेती हूँ, तो वहाँ से मेरे को वो थॉट बहुत मन में लगा। उसने मुझे बताया कि जोगेश्वरी का कोई इंसिडेंट हुआ है, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, सारे लोग यहाँ से चले गए और मैं बहुत बुरी हालत है, और अब हम परिवार हम भी बेच के जाने वाले एक लास्ट बचे। तो वहाँ से मेरे को बहुत कनेक्ट किया, बहुत डीपली बता रहा था। उसका भाई का मर्डर भी हो गया, उसने बताया मेरा भाई का, कि उन्होंने मर्डर कर दिया है और हमारी बहन बेटियों को छेड़ा भी है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से परेशान किया। वो आम था, उनको नहीं पता था कि मैं फिल्म बना रही हूँ, मैं कुछ कुछ भी नहीं आइडिया था। मैंने ऐसे ही पूछ रहे थे, हम रैंडम पॉलिटिकल बातें करती, मैं करती रहती हूँ कई बार, तो वो बातें करते करते उसने ऐसी चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे लगा कि यार ये कितनी बड़ी समस्या है, मतलब इस तरीके से घटना हो रही है भारत में, क्यों हो रही है। तो मतलब दुख होता है, ऐसे बहुत और भी हुई है इन बिटवीन। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, आप दिल्ली के दंगे देख लो, तो उससे मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत डीपली नॉलेज रखती हूँ इसमें। तो इसीलिए हमने थॉट आया कि हम इस पर पिक्चर बनाते हैं, और मैंने डिस्कशन बहुत, हमने इस पर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च किया, देन हम लोग इस मुद्दे पर पहुँचे कि हम लोग इससे पे ही फिल्म बनाएंगे, ताकि अवेयरनेस आए। नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं चरित्र देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और वो उसकी गहराई क्या है, और फिल्म में वो कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो ये सब मुझे, जब भी आप मेरा काम देखेंगे तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ चरित्र के ऊपर कि इसकी गहराई और इसके मर्म को कैसे पकड़ा जाए। तो बेसिकली इस कैरेक्टर के जो मर्म को पकड़ने की जो मैंने कोशिश की, उसमें मुझे ये लगा कि ये चरित्र मुझे करना चाहिए, और इन्होंने पूरी कहानी मुझे सुनाई। तो कुछ जगह ऐसा था कि मुझे लगा कि यहाँ स्ट्रगल हो रहा है कि मैं इस बात को कैसे सामने रखूँ, जिससे ये बात उस आदमी या जो व्यक्ति है वो ईमानदारी से कह रहा है। तो मैंने उस ईमानदारी को पकड़ने की कोशिश की। जब आप कैरेक्टर देखेंगे, वो बहुत सच्चा आदमी है, वो ऐसे करप्ट या इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं एक अंदर मेरे भी रहता है कि करप्शन से बचा जाए, चाहे कैरेक्टर करते समय हो चाहे लाइफ में हो। तो वो कहीं ना कहीं वो मिल गया उस जगह पे, इसलिए मैंने ये किरदार किया। तो आपके सवाल का जवाब मैंने ठीक से दिया। वैसे तो हम लोग, डायरेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, हम लोग पिछले 3 साल से इस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं इन्हीं के साथ डेब्यू करने वाला हूँ, तो मेरा करेक्टर बहुत थिन लाइन के साथ मुझे क्लियर पता था, और मैंने इसके लिए बहुत स्टडी की, मैंने बहुत सारी फिल्म्स भी देखी, बहुत सारे वर्कशॉप भी किए, और ये करेक्टर मेरे जो व्यक्तित्व है उससे बहुत डिफर है। मैं तो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान हूँ, मगर इस पूरी फिल्म में ये जो करेक्टर है ये बहुत परेशान है, और एक्चुअली इसकी एक कहानी है, अपनी एक जर्नी है,
और जो इसमें जो मर्डर होता है उससे उसकी जर्नी कैसे कनेक्ट होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पड़ताड़ना है और उस पड़ताड़ना को वो कैसे अपने आप से कनेक्ट करता है वो आपको ट्रेलर में भी दिखा होगा। जब आप फिल्म देखोगे तो डेफिनेटली मेरा करेक्टर पर्टिकुलरली आपको पसंद आएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये डेब्यू हो रहा है, आपको लगेगा कि मैंने बहुत काम किया है, मगर ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर ही किया है ज़्यादातर। देखिए हमने तो फिल्म बनाई है कंट्रोवर्सी करने वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हमने तो फिल्म बनाई है एक अवेयरनेस के लिए। अब अगर कोई उस पर कंट्रोवर्सी करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है, हम सेंसर ने फिल्म में टोटल 20 कट्स मारे, एक एक शब्द कटवा दिया उन्होंने, हमने वो शब्द भी काट दिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर कंट्रोवर्सी होती है, अगर समाज को एक आईना दिखाने में कंट्रोवर्सी होती है तो वो कंट्रोवर्सी हमने नहीं की, ना हम कोई प्रोपेगेंडा हम कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट कर रहे हैं। एक तो आता है भाई टीम लगी हुई है पूरी कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट करने में, हम लोग कोई कंट्रोवर्सी प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ टीजर आया है, एक ट्रेलर आएगा उसके बाद फिल्म आएगी, बस दैट्स इट। तो उसमें जैसे नॉर्मली आप फिल्में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप एक ईविल दिखा देते हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो ईविल कुछ लोग ही होते हैं और वो हर सोसाइटी में होते हैं, तो वो कुछ लोग ही ईविल है। हमारी आप फिल्म देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कि कुछ लोग ईविल हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन एक आपको तथ्य बताता हूँ, जर्मनी में जब नाजी रूल स्टार्ट हुआ था तो नाजी जो थे वो टोटल 10-15% थे, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल मचाया पूरे वर्ल्ड में कि कम से कम 50 लाख लोगों को मार दिया, क्योंकि वो लोग पावर में थे। ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं तो वो तबाही मचाते हैं, सिर्फ इतना बताया गया था। देखिए इंसान है ना एक अजीब तरीके का जानवर है, उसको है ना अपना क्लैन चलाना है, हर इंसान को अपना प्रोपेगेंडा अलग चलाना है। तो जब तक इंसान है तब तक वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा और लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। हम खुश होते हैं कि इस देश ने उसको मारा, हमारी आर्मी वहाँ जीत गई, मरा कौन? आदमी मरा ना। तो आदमी अपना प्रोपेगेंडा चलाता है, हर आदमी, चाहे वो अगर सड़क पे भीख भी मांग रहा है ना तो वो भी सोचेगा यार दो आदमी तो अपने साथ मिला लूँ। नहीं देखिए जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई ना मुझे, तो मैंने इनसे कहा भी, जब बातचीत चल रही थी वर्कशॉप की हमने दो दिन, तो जब बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा कि ये फिल्म पीस की बात करती है और मैं उस सब्जेक्ट से जुड़ता हूँ जो पीस की बात करे, शांति की बात करे, तो इसलिए तो मैंने हाँ कहा इनको, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो ये था जो मैंने, बाकी लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे, मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि ये फिल्म पीस की बात करती है, शांति की बात करती है, तो ये मेरी ओपिनियन थी। देखो जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले तो सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा, आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी लेकिन आप वो पहुँच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट ये ऑनेस्टी थी अंदर से, बस वही होता है कि ऑनेस्टी से विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा, हो सकता गलत हो सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा लेकिन होगा ज़रूर, तो बाहर निकलना ज़रूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं, भगवान ने पता नहीं सर ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूं और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूं। भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी, जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे, जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा, मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग मुझे हो सकता है उनके साथ आएँ, उनका साथ दें और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है उसको गलत सब बोलें। तो मैं हम लोगों ने ये इस पर्पज से फिल्म बनाई है, तो चैलेंजेस आते हैं बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप। थैंक यू। कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है, उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं उनको वो फॉलो करना पड़ता है, तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है, हमने ने कुछ शब्द डाल दिए वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए, कुछ उनको जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में गैप नहीं बोल सकते तो उन्होंने काट दिया। तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा हुआ, दैट्स इट। मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है। या डेफिनेटली डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं,
वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन अब उनका गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना था, हमने वो निकाल दिया। सो वेल सेड। तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है, तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं, आपको पता हम सब फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है, लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा। एक तो देखो, जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन इस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया होगा, कुछ ऐसा नहीं किया होगा। बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो, तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं, हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सुहानी जी को प्रोड्यूस सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना। तो जब फिल्म रिलीज होगी लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ बनिए, आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए, और आप हमारी आवाज़ बनिए। ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं मीडिया वालों, सब जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है, और मीडिया स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है। तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ड टचिंग है, हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है, और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आपको, आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में। धन्यवाद देता हूँ कि जो ये इन्होंने फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, 3-4 बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो कायदा बना है वो कायदा उनके लिए बना है, जो है वो कायदा उनके लिए बना है, वो कायदे का गलत वापर कर रहे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था, उनके पास खाली 8,000 एकड़ जमीन थी, अभी 8,00,000 एकड़ जमीन आ गई, कहाँ से आ गई ये पहले बात ये है। अभी हमारे सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था वप्प बोर्ड का, वप्प बोर्ड किसको ही मालूम नहीं, मगर सोलापुर की 300 प्रॉपर्टी अभी पूरे धोखे में, 300 प्रॉपर्टी जहाँ से हिंदू लोग पलायन हो रहे। यह ऐसा बेकार कायदा पूरे वर्ल्ड में कहाँ नहीं है, खाली अपने भारत में। अभी हमारे साथ जो लोग आ गए वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खाली 300 एकड़ जमीन थी, वहाँ भी वो सब वो जमीन उन्होंने कागज पत्र बना के हड़प कर दी। वहाँ 40 घर थे हिंदू के, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी कभी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो पाकिस्तान जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए, साकरपेट में आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के हिंदू वहाँ कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। तो आप सब भी तैयार हो जाइए 16 फरवरी को इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने के लिए। के मौके पर आप अब की बार अपने माता पिता को भी रोज़ दीजिए, क्योंकि हमसे सबसे पहला प्यार तो उन दोनों ने ही किया है और हमने भी। अब इसी बात के साथ अब लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की खुशबू। और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियाँ। टेक केयर, बाय बाय।